परम सम्मान जो गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहेगुरु पार बहम परमेश्वर दे सरगुण सरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारण दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ भरते हुए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो कलगी दर दशमेश पिता जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो अमृत वेले अमृत बाणी श्री सुखमनि साहिब जी दे पाठ तों उपरंत पंजां बाणियां दा नितनेम उपरंत आसां पूर्ण करन वाली श्री आसा जी दी वार दे छक्के छंद शब्द कीर्तन आप सारिया ने सरवण किया उपरंत सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द उलत्था कथा सुनदमल सगली कोवै साहिबों का फुरमान है। सो साध संगत जी अज अमृत वेले जो पवित्र हुक्मनामा आया सी बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै राम नाम जो जन जपै अंधन सद जागै तंत मंत न जोहै तित चाग न लागै काम क्रोध मद मान मोह बिनसै अनुरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागै शहीदां दे सरताज शांति दे महान कुंज नाम बाणी दे बोहित कलयुगी जीवां दे उद्धार करता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बिलावल राग विच अज दे हुक्मनामे द्वारा सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हन। मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै साध समागम वे जा करके तन करके सेवा करिए ते मन करके प्रभु नू आराधना करिए तन करके सेवा मन करके सिमरन सेवा अते सिमरन ये दोवें जरूरी हैं। जिमें किसी पंछी नू उड़न वास्ते दो खंभ चाहिए हैं एक खंभ दे नाल उड़ नहीं सकता दो खंभ चाहिए हैं। इसी तरह जीव रूपी पंछी नू उडारी मारन वास्ते सेवा अते सिमरन रूप दो खंभ चाहिए हैं एक तन दे नाल एक मन दे नाल संबंधित हन दो गल्लां गुरमत विच एक संगत ते पंगत सेवा ते सिमरन बाणी ते बाणा एक तन दे नाल एक मन दे नाल संबंधित हन। जिवें पंगत तन दे नाल संगत मन दे नाल इसे तरह बाणी मन दे नाल बाणा तन दे नाल सेवा तन दे नाल सिमरन मन दे नाल तन करके सेवा मन करके सिमरन तन करके गुरां दी सेवा मन करके जो सिमरन करना है प्रभु दी सेवा है दो तरह दी सेवा है एक तन दी एक मन दी। तो गुरु साहिब जी फरमाउंदे ने साध समागम वि जाके जिथे संत समागम चल रहा है उत्थे जाके तन करके हत्थी सेवा करिए मन करके प्रभु नू आराधना करिए उचरत गुण गोपाल जस गोपाल दे जस दाए गुणा नू उचारण करन नाल दूर ते जम भग जम दूरों ही भज जांदे हैं ते जम ना पेखै नैन उह निगाह भर के उस गुरमुख की तरफ जम देख नहीं सकदा उह जम गुरमुख नू देख के ही दौड़ जांदा है क्योंकि धर्म राजा ने अपने दूतां नू सख्त हदायत कीती होई है ऐ दूतो उत्थे भुल के भी ना जायो जिथे सत्संग चल रहा होवे जिथे साध समागम संत समागम चल रहा होवे कथा कीर्तन दे प्रवाह चल रहे होन उत्थे भुल के भी ना जायो
जे सत्संग भी चले गए किसे भगत नूं फड़ लिया ते ना तू छुटेगा ते ना मैं छुटांगा ना साड़ी संजमनी नगरी छुटेगी। सारे नूं जवाब देना पैना अकाल पुरख वाहिगुरु नूं कि मेरे भगत नूं क्यों हाथ पाया। पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गौड़ी राग में बावन अखरी में उच्चारण करते हैं जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीक ना आओ ना तू न छुटे निकट न जाइए ऐ दूतो उन्ना भगतां गुरमुखां दे नेड़े ना जाए। इसलिए उचरत गुण गोपाल जा दूर ते जन भाग राम नाम जो जन जप है रमे हुए राम दे नाम जो जग्यासु सेवक जन जपदा है राम नाम जो जन जपा अंदिन सद जाग ओ सजीव काल दिन रात ज्ञान जागृत में जागदा हर कीर्तन में जागदा जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागन सारे जागने जो श्रेष्ठ जागना केड़ा है हर कीर्तन में जागना ज्ञान जागृत में जागना गुरमुख ज्ञान जागृत में जागते हैं मनमुख मोह रूपी निंद्रा अविद्या रूप निंद्रा में सुते पाए तन भी सुता है मन भी सुता है मन सोया माया विच मार और चर्च माया दे मोह विच ए जीव इस जीव का मन सुता होया। गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन राम नाम जो जन जपै अंदिन सद जागै तंत मंत नह जोवै यंत्र मंत्र तंत्र करन वाला मांदरी पुरुष तांत्रिक पुरुष उस गुरमुख वल देख नहीं सकदा तंत मंत न जो भाई ते चाग न लागे उसनू किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती उन्होंने कोई अपसगन नहीं लगता सगन अपसगन जिसको लगे जिस चीत ना आवे जिसनों वाहेगुरु चेते नहीं आता उसे अपसगन लगता है उसे बुरी नज़र लगती है। जो गुरमुख नाम जपता है उसनू किसी की बुरी नज़र नहीं लगती तांत्रिक उस वल निगाह भर के देख नहीं सकता तंत मंत न जो है ते जाग न लागे। फिर गुरु साहिब जी फरमाते हैं आनंद मगन काम क्रोध मद मान मोह विंसय अनुराग काम क्रोध लोभ मद अहंकार ते अनुराग राग द्वैत सारे बिड़ जाते हैं। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनाग जो सतगुरों की शरण में आके तन मन धन अगे रख देंदा जिसकी वक्त आगे रख है प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसके चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। जो सतगुरों की शरण में आके तन मन धन अगे रख देंदा अर्पण कर देंदा वो आनंद स्वरूप परमात्मा विच रंग प्रेम कर नाल मगन रहिंदा मस्त रहिंदा हमेशा मस्ती विच रहिंदा है। सो साध संगत जी एक पागल की मस्ती हुंदी है एक ब्रह्म ज्ञानी की मस्ती है दोहां की मस्ती एक जैसी है पागल भी मस्त हुंदा है ब्रह्म ज्ञानी भी मस्त हुंदा है। हुण पता किवें लगे कि यह पागल है कि ब्रह्म ज्ञानी है कई दफा भुलेखा पै जांदा है असीं ब्रह्म ज्ञानी नूं पागल समझ लैंदे हां ते पागल नूं ब्रह्म ज्ञानी समझ लैंदे हां क्योंकि दोने मस्त हैं पागल भी मस्त है ब्रह्म ज्ञानी भी मस्त है बेपरवाह पागल भी बेपरवाह पर किवें पता लगे कि ब्रह्म ज्ञानी है कि पागल है। बंदे का अद्धा दिमाग ही काम करता है पूरा दिमाग जिसका काम करे वह ब्रह्म ज्ञानी जिसका अद्धा दिमाग भी काम ना करे वह पागल आदमी जड़ा है पागल और ब्रह्म ज्ञानी के विचकार है। पागल जिहदा पूरा दिमाग काम नहीं करता तो ब्रह्म ज्ञानी वो है जिहदा पूरा पूरा दिमाग काम करता। आम मनुखां दा तां अद्धा दिमाग काम करता है अद्धा दिमाग डिग पिया होया बंद पिया होया। सेवा सिमरन करन नाल नाम का अभ्यास करन नाल यह अद्धा दिमाग जिहड़ा बंद पिया ये भी चालू हो जाता काम करना शुरू कर दिंदा है वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। पशु मनुख ते देवता मनुख हर समय विचकार ही खड़ा है पशु तो मनुख तो बन गया पर मनुख तो देवता ना बन सकया पशु तो मनुख बन गया पर मनुख तो देवता ना बन सकया। देवता बनना आसान है देवता बनना बड़ा औखा पशु बनना आसान है पशु असी बार बार बन जाते हैं
पशु बिरती साढ़े अंदर है, इस करके करतूत पशु की माने जा लोग पचारा करे दिन रात। देखता तो बंदा है पर करतूत पशुआ वाली है, अंदर पशु बिरती है। इस करके संत महापुरुष कहते हैं कि बंदा बन जा, वो बंदे नू आख रहे हैं कि बंदा बन जा। जे कोई पूछे संतान के तुसी सानू बंदा बन जा क्यों कहा, असी तो बंदे हाँ। संत महापुरुष कहते तू बंदा नहीं है, देखता है पर है नहीं बंदा, तो तेरी करतूत पशुआ वाली है। हूँ जो अपने सुभाव में जी रहा है उसनू कोई कुछ नहीं कहता। हूँ कुत्ता अपने सुभाव में जी रहा, कुत्ता अपने सुभाव में जी रहा, जो जहा है वह जहाँ कम कर रहा, वह जहा सुभाव होता। बंदर अपने सुभाव में जी रहा है पर मनुख अपने सुभाव में नहीं जी रहा, विपरीत सुभाव है। बंदा है पर सुभाव करतूत पशुआ वाली है, इसे करके बंदे नु कहा बंदा बन जा। बंदा कौन है? बंदा वही है जो सिमरन करता है। जे पेट भर के खा के सौ रहे तो ये तो पशु भी करते हैं, पेट भरे हो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे, पेट भर के खा लिया सौ रहे, ये तो पशु भी करते हैं। जे मनुख भी खा के सुता रहे तो उसनु मनुख कौन कहेगा? मनुख नू सेवा से सिमरन करने लिए भेजा है। सो साध संगत जी, आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे, जो प्रभु की शरण में तन मन तन सब अर्पण कर देता है, भेटा कर देता है, वो परमात्मा विच प्रेम करके मस्त रहता है। वो मस्ती सदीव काल की है।